पार्टी ने अपना पहला बजट भी पेश किया है जो एक विकास कारक बजट है, इस पर भी चर्चा होगी और किस तरीके से एक लोकन्मुखी सरकार स्थापित हो, जो जन आकांक्षाएं हैं उन पर हम लोग कैसे खड़े उतर पाए, इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी। सर एक और खबर बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर सिंधिया जी का नाम चल रहा था। देखिए मैंने आपको कहा है कि वर्तमान में कांग्रेस को हमें मजबूत करना है, जो एक बहुत संकट की घड़ी राहुल जी के निर्णय के बाद कि वे अध्यक्ष नहीं रहेंगे, इस समय में पूरी कांग्रेस पार्टी को एक साथ मिलकर सुनिश्चित होकर आगे कार्य करना होगा। जरूर राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक ऊर्जावान व्यक्तित्व की जरूरत है, तो कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को साथ में केवल न ले पाए लेकिन देश की जनता में भी एक ऊर्जा का संचार दे पाए। जो राहुल जी ने रास्ता हम लोगों को दिखाया है, मेरी सोच और विचारधारा है कि उसी रास्ते पर हम लोगों को साथ में मिलकर चलना होगा और देश की जनता का विश्वास दोबारा जीतने का प्रयास उनको करना होगा। लाखों करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिंदाबाद। मैंने कह दिया है कि बीजेपी की एक ही आशा है कि प्रजातंत्र की हत्या किया जाए और यही इनकी एक कोशिश, इन्होंने अरुणाचल, मणिपुर, गोवा में पूर्व में भी किया था, अब कर्नाटक और गोवा में प्रयोग किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की सरकार ही रहेगी।